Welcome back to family, welcome back to another vlog. So I hope सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी पहले से थोड़ी ठीक हूँ। तो आज है हमारा मौलाली कदम का व्लॉग। सो आप लोग सोच रहे होंगे शायद कि हम अब कराची आ गए तो मौला अली कदम तो हैदराबाद हुए। तो मैं आप लोगों को ये भी बात क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा 11th मुहर्रम का व्लॉग देखा होगा तो वो पार्ट वन था और ये पार्ट टू है उस व्लॉग का। तो हमने वो पार्ट टू अब हम जो अपलोड कर रहे हैं वो हमने परसों इसलिए नहीं किया था बिकॉज मैम ने सोचा कि 30 अगस्त है तो सब उसका व्लॉग देखना पसंद करेंगे, मौला अली कदम का बाद में डाल देंगे। तो अभी है ये पार्ट टू। पार्ट वन का मैं छोटा सा क्या वो दे दूँगी, अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूँगी तो आप लोग वहाँ पे जाके जो है हमारा पार्ट वन देख लेगा 11th मुहर्रम का। और अगर मेरी आवाज़ ख़राब लग रही हो तो उसके लिए आई एम सॉरी बिकॉज मेरी आवाज़ बिल्कुल ही निकल रही है, मुझे ज़बरदस्ती निकालनी पड़ी है कि भाई व्लॉग का जो है वो स्टार्टिंग एंडिंग भी तो बनानी है ना। तो वो व्लॉग आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ व्लॉग के एंड में। हमारे में मौला अली कदम और यहाँ से ये होता है स्टार्ट और अभी हम जाते हैं अंदर, फिर आप लोगों को पूरा दिखाते हैं। ये देख लें आप लोग बाबा हैदर, ये अभी हम हो रहे हैं मौला अली कदम में एंटर। बरुकात होते हैं न्यास के, जो यहाँ से जो जो चीज़ें यहाँ पर लेना चाहे सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे टॉफियाँ और यहाँ पे फूल सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पे सारी रिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पे सारी रिंग्स देख लें आप लोग, देख सकते हैं यहाँ पे सारी रिंग। और ये माशाल्लाह से देखें, अच्छा अलम है ये जी, अच्छा ये छोटा सा अलम है बहुत ज़्यादा और ये छोटा सा झूला है। अस्सलाम वालेकुम, ये झूला है, ये हज़रत अली असगर के नाम से मन्नत इस पर मानी जाती है और फिर इसको चढ़ाया जाता है। बराए मेहरबानी आप लोग भी दुआ कीजिए, ख़ास तौर पे औलाद के लिए दुआ कीजिए, मेरे मौला के सदक़े में सब घरों में औलादों से नवाजा जाएगा। ये जुलझना है, जो लोग मन्नतें उठाते हैं कि हम जुलझना चढ़ाएंगे ये उनके लिए है ना, यहाँ पर ये मिलते हैं। ये इसकी माशाल्लाह से बनावट देखें कितनी प्यारी है, लीजिए ये इमाम जामिन है, ये भी उसका बना हुआ है, पीतल का है ना, ये मंजूस का बना हुआ है, ये देखिए इमाम जामिन, लाइट में दिखाओ, ये मंजूस का बना हुआ है। और ये मौला अली कदम का सबसे बड़ा अलम है जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ब्लू लाइटिंग हुई हुई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रात का टाइम इसके वजह से सही तरह कैप्चर नहीं हो पा रहा है, वरना अगर आप लोग इसको रियल में देखे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस टाइम। ये अभी हम मौला अली कदम में एंटर हो रहे हैं और ये यहाँ पे सारी जेंट्स की साइड है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी बाद में। अभी हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं लेडीज़ की साइड और ये कदम गाह की जामा मस्जिद है, न्यू स्टार्ट हुई है ना, अभी न्यू कंप्लीट हुई। और ये भी हम उस जगह पे एंटर हुए हैं जो मौला अली कदम के नीचे जो शॉप्स हैं उधर है, या आप लोगों को मेरी मम्मा पूरा दिखा रही हैं। और ये यहाँ पे सारे छोटे और बड़े अलग है, जिसको यहाँ पे बदतों के लिए चाहिए वो यहाँ से जो है वो अलग खरीदते हैं। और ये एक ही शॉप थी बहुत बड़ी जहाँ पे सारी चीज़ें थी और बाकी शॉप थोड़ा हम लेट हो गए थे इसकी वजह से बाकी शॉप बंद हो गई थी, एक ही शॉप थी जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो यहाँ पे पूरा आप लोगों को दिखाया है तो आप लोग देखिए, यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बच्चों के कपड़े भी थे और यहाँ पे तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी थी, बुक्स थी, मतलब सारी चीज़ें एक ही शॉप पर थी, सारी चीज़ें थी।
और इधर जो बुक्स की लाइब्रेरी भी है और इधर बहुत ज़्यादा जो अच्छा स्टॉक है, अगर जिसको इस्लामिक बुक्स चाहिए हो और को नहीं मिल रही हो तो यहाँ पे जो है आई होप सो कि आप लोगों को मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बुक्स थी। तो यहाँ पे आई थिंक सो कि आप लोगों का आपको जो बुक्स यहाँ पे इस्लामिक चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। और इस शॉप पे जो है काफ़ी बुक्स का स्टॉक था। और उस जगह की क्लिप है जब हम मौला अली कदम के अंदर एंटर हुए थे, तो सारी ज्वेलरी थी, तस्बीहें थी और लॉकेट थे ईविल आइस के, और भी बहुत सारे थे जो कि मेरी मम्मा देख रही थी और वो पकड़ पकड़ के दिखा भी रही थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा होगा, ये देखे, ये मेरी मम्मा आप लोगों को पकड़ पकड़ के दिखा भी रही हैं। और ये सारी रिंग्स हैं इधर। हो गए हैं मौला अली कदम के अंदर एंटर, और अब यहाँ पे ये लगा हुआ है अलम, और यह अलम के माशाल्लाह से पूरा देख लें। और ये रहे ताज़िए, और ये यहाँ पे किसी की कबर। और यहाँ पे आप ये लाइटिंग देखें, ग्रीन पूरी सारी आयात लिखी नहीं है, आप लोगों को दिखाइए जी सारी आयात लिखी हुई है। सारी आयात देखिए, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ। और इधर भी सीढ़ियों पे भी आया दिखी हुई है। और ये अभी हम जा रहे हैं ऊपर, माशाल्लाह से इसको बहुत अच्छा कर दिया गया, मतलब पहले ऐसा नहीं था। और ये यहाँ पे सारे हम नस्क कर दिए गए हैं, और आप लोग यहाँ पे ज़्यारत कर लें माशाल्लाह से। सीढ़ियाँ दिखाओ, और ये देखें यहाँ भी आया दिखी हुई है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ नीचे, और यहाँ पे अंदर एंटर होते ही अलग मंजर है पूरा माशाल्लाह से। को देखकर बहुत ही सुकून देता है, देखकर एक अलग ही सुकून मिलेगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैं आप सबको इसलिए ऐसे से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग सब अच्छी तरह देख लें जो कभी मौला अली कदम नहीं आए, यहाँ पे आप लोग सारा ओवरऑल लुक देख लें। माशाल्लाह से इसका पूरा मटेरियल देखें कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अस्सलामु अलैका या अली इब्ने अबू तालिब, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग भी देखकर इसको सलाम कर लें।
खुश हो। वॉइस का सेशन है, यहाँ पे सारे जेंट्स होते हैं और नीचे सारी लेडीज साइड से जा रही होती हैं। तो अब यहाँ पे हम वॉइस का सेशन वॉइस के एरिया में चलते हैं। आ गया, अब मैं आपको यहाँ पे पूरा एरिया दिखाता हूँ किस तरह का है। चलो सही है, ठीक है, सही है, अंदर से बस मैं पूछ के आपको बता रहा हूँ। ये पूरा पूरा एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा पूरा। यहाँ पे सारे जेंट्स होते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा इंटीरियर है यहाँ का, ऊपर का रूफ का। मुझे पता है यहाँ पे सारे सब लोग पैसे डालते हैं। दूसरी साइड पे लेडीज का एरिया है और ये जेंट्स का एरिया है सारा। आई एम बैक। तो मैं एक बार आप लोगों को वापस रिपीट कर दूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं जाके देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन पहले जाके देख लें, फिर पार्ट टू देखिएगा ताकि व्लॉग आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो ये मौला अली कदम का व्लॉग था और आप लोगों ने आया उससे ज्यारतें, क्योंकि मैंने हर चीज़ रोक रोक के इसलिए दिखाई थी कि आप लोग अच्छी तरह ज्यारत कर लें, हर चीज़ देख लें। जो कभी मौला अली कदम नहीं गए वो लोग अच्छी अच्छी तरह जो है वो सारी चीज़ें देख लें। आज का हमारा व्लॉग एंड होता है यहीं पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होता है व्लॉग पर लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।